भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संयंत्र के कार्यपालक निदेशक पवन कुमार तथा विशेष अतिथि के रूप में विपिन कुमार गिरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने की। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि ऑफिसर्स एसोसिएशन सम्मान समारोह के साथ एक नई परंपरा आरंभ करने जा रहा है, जिसमें निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले सदस्यों तथा एक्सओए के सक्रिय पदाधिकारियों के साथ पिछले कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट योगदान देने वाले ओए के पदाधिकारी ZR एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव कराने वाले चुनाव अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि पवन कुमार ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में ओए बीएसपी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ओए द्वारा निस्वार्थ सेवा देने वालों का सम्मान करने की एक नई परिपाटी आरंभ की गई है। यह अत्यंत ही प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। सम्मान समारोह की जानकारी बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने दी। जी सर, बताएंगे ओए द्वारा किस तरह का आयोजन किया गया? नमस्कार, ये अभी हमारा जो कल आयोजन किया गया, ये ऑफिसर्सन ब्लास्ट स्टील प्लांट के पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमारे जो भी लोग जिन्होंने स्वार्थ होकर हमारे ऑफिसर्सन के जितने भी कार्य उनको संचालित किया, सहयोग किया, उनको सम्मानित किया गया। और हम लोगों ने पहले से ये सोच कर रखा था इस साल ये नई परंपरा हम चालू करेंगे, तो ये हमारे लिए एक ओए के लिए नई परंपरा, क्योंकि हमारे 50 साल हो चुके हैं ओए बीएसपी बने हुए। उसके बाद हम लोग चाहते थे कुछ नए क्षेत्रों में काम करें, तो हम लोग पिछले कुछ वर्षों से अपने समन्वित अधिकारियों के लिए भिलाई में जितने भी हमारे समन्वित अधिकारी भी हों, कर्मचारी, उनके लिए नए नए तरीके से प्रयास कर रहे थे कि उनको कैसे हम उनकी सुख सुविधाएँ पहुँचा पाएँ जो उनको कहीं और से नहीं मिल पाती। तो हम लोग ने मेडिकल के क्षेत्र में काम करना चालू किया, जितने भी स्वास्थ्यगत शिविर होते हैं हम लोग ने यहाँ आयोजित करना चालू किया। हमने जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके साथ उनकी जो संस्था है हमसे जो जुड़ी है, हमसे संबंधित संस्था है XOA BSP, उनके जो पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने कल सम्मानित किया। उसका उद्देश्य था कि उन लोगों ने निस्वार्थ होकर पिछले 10 सालों में सेवाएं की हैं। 2013 में 100 फॉर्म किया गया, उससे लेकर 2023 तक का सफर ऐसे कई मुकाम आए कि वो बीएसपी को उनकी मदद की जरूरत पड़ी और उनके मुद्दे पे ही हम लोग ने मदद की। तो उन मुद्दों पर उनका सहयोग हमेशा सकारात्मक रहा। और आप जानते हैं कि सेल पेंशन स्कीम, जब वो बीएसपी ने उसके लिए संघर्ष किया, सेफी ने भी उसके लिए जब संघर्ष किया, तो हमेशा 100 बीएसपी हमारे साथ था और हमेशा उनसे सुझाव हमको मिलते रहे और सहयोग भी मिलता रहा। जितने भी कार्यक्रम उनके जनरल बॉडी यहाँ होती है हर 2 महीने में, उसमें हम लोग उनकी बातें सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। सेल पेंशन के अलावा हम लोग ने जो मेडिकल की सुविधा बीएसपी में बढ़ानी, उसके लिए काम करना चालू किया। सेल मेडिकल पर जो काम किया वो भी 100 बीएसपी जो हमारा है उसके मंच पर हम लोग जितनी बार आए उनकी समस्याएँ थी तो उन हम लोगों ने निदान चालू किया। तो ये एक प्रयास था कि जिन लोगों ने निस्वार्थ होकर पिछले 10 सालों में इस भवन में आकर अपने जितने भी हमारे सेवन्वित अधिकारी हैं उनको सहयोग किया, उनको हम लोग ने वहाँ सम्मानित किया। और उस प्रोग्राम में श्री असर दास साहब जो प्रेसिडेंट हुए आए थे और मिस्टर पाटिल आए थे, दिलीप वर्मा जी जो महासचिव हैं वो किसी कारण वो नहीं आ पाए, तो ये 3 लोगों ने निस्वार्थ होकर सेवाएँ हमेशा दी हैं। तो गुप्ता जी हैं ट्रेजर, वो भी किसी कारण नहीं आ पाए, तो इस पूरी टीम से हमको हमेशा सहयोग मिला। तो इस टीम को हमने सम्मानित किया इस मंच से। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक कार्मिक प्रशासन श्री पवन कुमार जी थे और विशेष अतिथि हमारे BK गिरी साहब कार्यपालक निदेशक खदान थे। तो हम लोग ने प्रयास किया कि अपने जो हमारे EDs हैं उनके माध्यम से हमारे CGM IOC राजरा भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, RCRP गौरवार साहब और हमारे पूरी पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। क्योंकि ये इस चुनाव के बाद जो हमारे 2 चरण में चुनाव हुआ, पहले चरण में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, सेकंड चरण जो हमारा हुआ उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट 1, वाइस प्रेसिडेंट 2, वाइस प्रेसिडेंट माइन, सेक्रेटरी 1, सेक्रेटरी 2, सेफिन हमने चुना। तो ये पूरे पदाधिकारी उस दिन उस मंच पर थे और उस मंच से उनका भी एक अभिवादन पूरी टीम द्वारा किया गया। तो हम लोग का एक उद्देश्य था कि नई कमेटी में नई ऊर्जा का संचार किया जाए और साथ साथ हम लोग ने जिस चुनाव को संचालित करने के लिए हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, हमारे 3 चुनाव अधिकारी थे जिन्होंने दोनों चरणों में इस चुनाव को संपादित किया, बहुत अच्छे से चुनाव का संचालन किया। श्री अमूल्य प्रियदर्शी जी जो महाप्रबंधक हैं HRD में,
श्री संदीप झा जी जो GM हैं CNIT में, और श्री पटेल साहब, सुभाष पटेल साहब जो AGM हैं HRD में, इन दिनों को भी हमने इस मंच से संभाल लिया, जिन्होंने अपना काफ़ी समय इस चुनाव संचालन में दिया और अच्छा कुशल संचालन किया। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे नियम भी बनाए जो इस बार हमने इम्प्लीमेंट भी किए, जिसमें हम लोगों ने बैनर पोस्टर ये सब हटा दिया चुनाव समय से। चुनाव के समय किसी भी बैनर पोस्टर को हटाया गया, और एक पर्यावरण के लिए जो कार्य होना चाहिए वो हम लोग भी सोचते थे, और ये चुनाव संचालन में इसका पालन भी किया गया। साथ ही साथ हमने अपने जो हमारे OA में हमेशा जो कार्य होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी जो EPS 95 में जिनको सहयोग की जरूरत पड़ती है, हम लोग ने पिछले 2 साल पहले उस समय के तत्कालीन EDP&A श्री KK सिंह साहब से एक जनसेवा केंद्र का प्रारंभ किया, तो उसमें EPS 95 के लिए हमारी हेल्प डेस्क है, तो उसमें हमारे श्री NK साहू बैठते हैं, नरेंद्र कुमार साहू जी, और पिछले 2 वर्षों में उन्होंने काफ़ी लोगों को सहयोग किया, निस्वार्थ सहयोग किया, जिनको EPS 95 का पैसा नहीं मिलता। कई हमारे अधिकारी या कर्मचारी स्वर्गवास हो जाता है किसी कारण से, तो उनके परिवारों को EPS 95 का सहयोग देना। और अभी एक नई स्कीम हम लोग ने प्रयास, हमारे सबके प्रयास से चालू हो पाई, EPS 95 की हायर पेंशन स्कीम, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर हमेशा हेल्प डेस्क चालू करते हैं, और हमेशा हम सबको सहयोग करते हैं, जो ट्रांसफ़र केसेस उनको हमेशा सहयोग करते हैं। तो एक हमारा हेल्प डेस्क उनमें आयोजित हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारा लीज का जो काम चालू हुआ, उसमें हमारे श्री सत्यवान नायक जी ने और हमारे जितने भी हमारे दूसरे जो कार्य होते हैं, जो पत्राचार होता है, उसके लिए सत्यवान नायक जी हमेशा हाजिर रहते हैं। पिछले 2 वर्षों से जब से वो सेवानिवृत्त हुए, हमेशा उनकी सेवाएँ हमको मिलती, तो उनको भी हमने सम्मान किया, और हमारे जितने यहाँ ऑफिस में हमारे स्टाफ है उनको जिनका हमेशा सहयोग मिला, उनको उसमें हमने सम्मानित किया। तो मैं ये हम लोग ने प्रयास किया कि इस तरह से कार्य से हम अपने अधिकारियों का सम्मान करें जो सहयोग करते हैं, जो हमारे कर्मचारी उनका भी हमने सम्मान किया। साथ ही हमारे पिछली कार्यकाल में एक पूर्व पदाधिकारी और पूर्व JDR का सम्मान किया गया, श्री वेणुगोपाल देवांगन जो माइंस के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने हमेशा काफ़ी समय दिया तो अपने कार्य को संपादित करने के लिए हमेशा प्रयास किया, उनका भी सम्मान किया गया। साथ ही साथ ही RK महाराणा जो JDR है, उन्होंने कहा, पवन कुमार तथा विपिन कुमार गिरी एवं सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंचोर ने निस्वार्थ भाव से जन कल्याण में योगदान देने वाले सदस्यों को सम्मानित किया। समारोह के अंत में BSP ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह ने आभार प्रदर्शन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।